अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए आज हम सितारा स्टूडियो पे आए हैं शॉपिंग के लिए। और आज मैं बच्चों की शॉपिंग करूँगी। और ये मैं सबसे पहले अरफा का ड्रेस देख रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है और स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, और लोन कॉटन हर चीज़, और यहाँ पे हर किस्म का स्टफ़ है, लोन कॉटन हर एक किस्म का यहाँ पे है स्टफ़। तो ये देखें, फैंसी ड्रेस भी हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी बारबी फ्रॉक्स एवरीथिंग यहाँ से आपको मिल सकती है। और बहुत ही अच्छा मॉल है ये, और स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। ये देखें आप बच्चों की पहले, और फिर ये जो था ये शिफॉन का था, मैक्सी टाइप ये बना हुआ था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आगे गर्मी है तो गर्मी में ये शिफॉन का स्टफ़ नहीं पहनने होता। और ये साथ ये भी लोन थी और ये भी कॉटन थी, इसके ऊपर ये धागे की कढ़ाई हुई हुई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा था, लेकिन जो हमें पसंद आ जाए, जो हम ले लें थोड़ा सा, बच्चों को भी अच्छा लगे। और ये सब कुर्ते थे, ये भी कॉटन लोन में ही था, और इस पे भी बिल्कुल लाइट सही थे, बिल्कुल हल्की हल्की सी कढ़ाई हुई हुई थी, लेकिन अच्छे थे। और ये जो थे मैक्सी और शॉर्ट्स टॉप वगैरह, तो ये सारे शिफॉन के थे, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं गर्मी में पहन सकते। तो वैसे इस शॉप में सब ब्रांडेड कपड़े हैं, बोनांजा सतरंगी और लाइम लाइट हो गए, हर सारे ब्रांड यहाँ पे हैं। और जितना भी अनस्टिच सूट है उनके भी बहुत अच्छे थे यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से शॉपिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी ये न्यू ओपनिंग हुआ है अभी थोड़े टाइम पहले, तो कुछ इन्होंने डिस्काउंट भी लगाई हुई है, 25% इन्होंने ऑफ भी रखा हुआ है ईद की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। और यहाँ पे किड्स के भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और इतने ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे है हर किस्म के बच्चों के कपड़े हैं, छोटे बच्चों के भी ना, और जेंट्स की भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है उनकी भी। और जेंट्स के अनस्टिच सूट भी हैं, रेडीमेड भी हैं, मतलब जो आपको साइज़ चाहिए आप ले सकते हैं। इवन के जूते बैग ज्वेलरी के भी अलग से मतलब बने हुए हैं, हर हर मतलब ऐसे स्टॉल से लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पे हर एक चीज़, मतलब आप इस मॉल में आके आपको ज़्यादातर हर चीज़ मिल जाएगी, बस अपनी पसंद की बात है कि अगर आपको पसंद आ जाए तो। फिर यहाँ से नेक्स्ट आ गया, हम एक और शॉप पे गए, क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक सूट बाय किया था, तो वहाँ से मैंने अपने बेटे का नहीं लिया, सिर्फ अरफा का लिया। तो ये यहाँ पे हम नेक्स्ट शॉप पे गए थे, तो यहाँ पे भी ये सब किड्स की थी, ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे लड़कों की ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, जीन्स शर्ट्स यहाँ पे, टी शर्ट्स वगैरह सेपरेट सेपरेट थी, तो जाहिर सी बात है शर्ट्स के साथ फिर आप अपनी मर्ज़ी के जीन्स जैसी भी आप चाहते हैं, शॉर्ट्स जीन्स निकर आप उसको सेलेक्ट कर लें। और शलवार कमीज़ की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी बच्चों की भी, सिल्क में भी था। और ये देखें, ये यहाँ पे स्टॉलर्स के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स थे, मतलब अगर इंसान लेना चाहे तो स्टॉलर भी यहाँ से ले सकता है। तो ये शर्ट्स थी, ज़्यादातर स्लीवलेस थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ स्टफ़ भी अच्छा था इनका, लेकिन मैं कह रही थी स्लीवलेस ना हो, सिर्फ टी शर्ट हो, शर्ट ना हो। तो ये शॉर्ट्स थे, तो मैंने फिर, मैं आपको घर जा के दिखाऊंगी कि मैंने फिर कौन कौन सी शर्ट बाय की थी। एक फिर मैंने टी शर्ट ली थी, और मैंने जीन्स ली थी, ऐसे कपड़े लिए थे दानियाल के। और आप ये देखें शॉपिंग, और ये साथ साथ ये दुकान देखें, इस पे कितनी अच्छी वैरायटी है। और इन्होंने सब अपना ऑनलाइन भी सिस्टम रखा हुआ है आजकल, इन्होंने हर बंदा यही बोलता है कि आप व्हाट्सएप नंबर ले लें, ऑनलाइन डिलीवर हम करते हैं, और अगर शहर के अंदर हो तो फिर वो कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं होते, आउट ऑफ सिटी वो करते हैं डिलीवरी चार्जेस, अदरवाइज़ वो नहीं करते। और सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और येलो कलर तो मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है, और मैं दानियाल का इतनी दफ़ा येलो लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा यही दिल करता है कि मैं इसको येलो ही लेती रहूँ बार बार। और जहाँ तक हम बात करते हैं प्राइजेस की,
तो आजकल हर ही शॉप पे बस उन्होंने फिक्स प्राइस ही रखी होती है। कोई शॉप हो कि जहाँ पे बर्गेनिंग करके आप लेस करवा सकते हैं, लेकिन मैं पहले जिस मॉल में गई थी वो तो है ही ब्रांड का, उधर भी फिक्स, लेकिन ये वाली भी शॉप बहुत अच्छी थी। लेकिन इन्होंने भी ऊपर लिख के लगाया था कि हमारी फ़िक्स प्राइस है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था। तो वाकई में पता भी चल रहा था कि इनकी फ़िक्स प्राइस है, लेकिन चीज़ भी उस हिसाब से बहुत अच्छी है। तो वैसे इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं थी, मतलब कि मुनासिब ही मुझे तो लगी है। मतलब आप अगर अच्छा स्टफ़ नहीं लेते, सस्ता भी ले लेते हो, तो वो इतनी जल्दी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये देखे, शॉर्ट्स के भी बहुत ही ज़्यादा कलर थे, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा किसके साथ सेलेक्ट करें ना करें, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इतना टाइम लग गया, पूरा दिन हमें घूमते घूमते ही ऐसे गुजर गया, और सिर्फ बच्चों के कपड़े लेने हुए। एक फिर मैंने शर्ट ली, टी शर्ट, जीन्स और शलवार कमीज़ तो अभी टेलर के पास है। और फिर ये देखे, मैं साथ ही शॉप थी बर्तनों की, मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे मुझे एक चॉपर लेना था, हैंड चॉपर, तो फिर मैंने वो लिया यहाँ से, तो ग्लास लिए। तो बस यही करके छोटे छोटे बर्तनों की चीज़ें, जो कि औरतों की कभी भी ख़त्म नहीं होती बर्तनों की चीज़ें, जहाँ भी जाएं हमें बर्तन ज़रूर याद रहते हैं। तो और ये देखें, अब हम घर आ गए हैं और यहाँ पे मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। इस पे हल्की हल्की सी कढ़ाई हुई हुई है, और ये देखें कलर भी बहुत लाइट्स है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गर्मी के वाले से कलर भी ऐसा है, और ये साथ इसका ट्राउज़र, ये अरफा का लिया है। और उसके बाद ये देखें, ये मैंने शर्ट फिर पसंद की है दानियाल की, तो वैसे प्राइस भी इसकी मुनासिब ही है देखा जाए तो। मतलब 1000 पे ये शर्ट थी, लेकिन उस हिसाब से ब्रांड का हो के भी और क्वालिटी भी अच्छी हो तो ठीक है प्राइस। और ये मैंने साथ ब्लू जीन्स ली है, और इसकी भी प्राइस मुझे तो ठीक लगी है, तो इसकी भी 1100 प्राइस है, और ये भी मुझे ठीक लगी है। और ये टी शर्ट थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। दानियाल की पहले बहुत ही ज़्यादा येलो शर्ट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा दिल किया है कि मैं ये ज़रूर लूँ, इसके मुझे बहुत पसंद आई है, और फिर मैंने ये नहीं छोड़ी, मैंने ये ले लिया है। लेकिन ये इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी ये मुझे लगी है। तो इसके साथ भी ब्लू जीन्स ही क्योंकि चल जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने ये लिया है, बच्चों के जितने कपड़े हों उतने ही कम होते हैं, तो इसकी भी ये डबल शर्ट बनी हुई है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके इनर। और ये देखें ऐसे, ये इसके नीचे और ये इसके ऊपर ऐसे है। और इसके साथ ये कंट्रास्ट पैंट ली है क्योंकि ये जीन्स ली है, ये देखें ये जीन्स। और लास्ट वन पे मैंने ये शर्ट ली, ये देखें ये वाइट, वाइट तो बच्चों पे बहुत ही सूट करती है, डिसेंट सा कलर है। और इसके भी नीचे ये भी ऐसे ही डबल शर्ट है, इसके भी नीचे देखें ये इसके इनर। अगर आप चाहें तो इसको सिंगल ऐसे भी बना सकते हैं, और ऊपर आप इसको दोनों शर्ट्स भी बना सकते हैं, मतलब दोनों आपकी शर्ट्स चल जाएंगी, बेशक आपकी कोई भी पहन के, आप किसी भी पैंट के साथ, ट्राउज़र के साथ आप कर सकते हैं। और फिर लास्ट पे मैंने एक चॉपर लिया जो मैं गई थी शॉप पे, ये देखें ये हैंड चॉपर। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी चॉपर मौजूद है घर में, लेकिन ये देखें ये जो चॉपर था ना, इसका सबसे ये बेनिफिट था कि ये बिजली से नहीं चलता, ये देखें ये ऐसे, मतलब अगर लाइट ऑफ हो कुछ भी हो, आप इसको ऐसे करके पुश करें और ये ऐसे करके चल पड़ता है। आप इसको इसके ऊपर ऐसे लगाएं और आप इसको ऐसे करें, मतलब कि आपकी कोई भी चीज़ है बहुत जल्दी आपकी ग्राइंड हो जाती है, चाट में, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में आपका ये
काम आ जाता है। और लास्ट पे बस मैंने ये चॉपर लिया और ग्लास जो के वो अब उधर किचन में मैंने संभाल दी हैं, तो इसलिए मैंने आपको चॉपर दिखा दिया। और ये लास्ट पे ये सारे देखिए ईद के कपड़े, ये सारे, और इनको देख के आपको काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिले होंगे कलेक्शन के हवाले से, प्राइस के हवाले से। और बस लास्ट पे मैंने बच्चों के जूते लिए थे, सैंडल, तो गर्मियों के लिए, बस वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने लिए एंडियोर से, अरफा के ये, और मैंने दानियाल के लिए स्टाइलो से। और इनकी भी बेशक प्राइजेज इनकी थोड़ी सी होती हैं, लेकिन ये कि इनकी चीज़ बहुत अच्छी होती है, तो मैं भी सबको यही बोलूँगी कि थोड़ी सी महंगी चीज़ ले लें, लेकिन अच्छी ले लें, जो बच्चों के पास काफ़ी टाइम चले भी और बच्चों को पहने हुए भी अच्छी लगे। और ये देखें, ये दानियाल के मैंने लिए सैंडल ब्लैक। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी ईद की बच्चों की। अल्लाह हाफिज़ गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।